ये है यशराज की तरफ से मीडिया में आया हुआ लेटर, जिसमें यशराज बैनर ने साफ साफ कह दिया है कि वो फिल्म में कटरीना कैफ को कास्ट करने नहीं जा रहे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वेल, ये जूम आपको बताने जा रहा है। इसके पीछे की वजह है फिल्म में वो दो सीन्स जिनसे कटरीना कैफ को है ऑब्जेक्शन। दरअसल फिल्म में दो बिकिनी सीन्स हैं जिन्हें कटरीना कैफ ने करने से मना कर दिया। सोर्सेज की माने तो कटरीना फिल्म करने के लिए काफी इंटरेस्टेड तो थी, लेकिन बिकिनी पहनने के लिए नहीं। बट प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी कि अगर फिल्म में कटरीना होंगी तो उन्हें बिकिनी पहननी ही पड़ेगी। बस इसीलिए बात फाइनल नहीं हो पाई और आखिर में कटरीना को फिल्म में नहीं लिया गया। और अब फिल्म मेकर्स कटरीना की जगह फिल्म में किसी फ्रेश फेस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ताज्जुब की बात है कि जब बॉलीवुड में कटरीना ने एंट्री की थी तो बूम में जमकर किया था अंग प्रदर्शन, लेकिन बूम से धूम तक आते आते कटरीना को अब ऐसे सीन्स करने में प्रॉब्लम होने लगी है। अब ये स्टारडम का सुरूर है या फिर कटरीना ने बना लिए हैं अपने लिए नए एथिक्स, इसके बारे में तो कुछ खास नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस फोटोशूट्स में तो काफी रिवीलिंग आउटफिट्स पहन लेती हैं, लेकिन हाँ, फिल्म्स में बिकिनी से बचने लगी हैं।